Good morning, my dear student. Today we are going to discuss your class 11th history, chapter 11, path to modernization. My dear student, if you have remembered my previous class where I told you about this chapter introduction and the summary of this chapter also taught by me. I told you किस तरीके से आधुनिकीकरण के रास्ते पर, विकास के रास्ते पर, डेवलपमेंट के पथ पर, मॉडर्नाइजेशन के पथ पर चाइना और जापान साथ साथ आगे बढ़े, लेकिन चाइना और जापान दोनों ही इस विकास में एक दूसरे से काफी अलग हो गए। मैंने आपसे चाइना और जापान के डेमोग्राफी पे बात की थी कल। आई वॉज डिस्कस अबाउट द डेमोग्राफी ऑफ चाइना एंड जापान, about the society of the China and Japan. I was also discussed in your previous video that the different ethnic group they lived in China and different community group they lived in Japan also. In China, I told you that Han, Uyghur, Tibetan and such type of two other community. And in Japan, Japanese, Korean and Ainu. Language what they speak? Japanese. In China, they also use the language Chinese. Even the language which was spoken, the huge amount जो बड़े संख्या में वहां भाषा बोली जाती थी, इस भाषा का वो लोग प्रयोग करते थे। गुआंगझाओ कैंटन के लोग, शंघाई की बोली वु थी और चीन के अधिकतर लोग पोतोंग हुआ लैंग्वेज बात करते थे। चाइनीज लोग जो अधिकतर संख्या में थे वो पोतोंग हुआ में बात करते थे। कैंटन प्रदेश में कैंटन ही बोली जाती थी, बू जिसे सामान्य भाषा में चाइनीज में कहते हैं। उनकी फूड पे हम लोगों ने बात की। हमने एक तरफ से कहा कि चाइना में जो फूड था, चाइना में जो खाद्यान्न थी, उन खानों में जो फूड्स थे उनके, अलग अलग प्रांतों के अलग अलग खाने थे। जैसे कैंटन प्रदेश में लोग, विदेशों से जाने वाले जो टूरिस्ट है वो कैंटन जरूर जाते हैं। क्यों? क्योंकि वहां का स्पेशल फूड डिमसम खाने के लिए। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ डिमसम? आई होप यू हैव रिमेम्बर, मैंने आपसे कहा था डिमसम की मीनिंग क्या है। डिमसम दिल को छू देने वाला इतना अच्छा खाना। डिमसम कैसे बनता था? डिमसम आटे को गूंथ के उसके अंदर कुछ सब्जियां भर के और डिमसम को खाया जाता था। दैट इज व्हाट आई एम सेइंग माय डियर। ये चीजें थी, ये वो लोग खाते थे। और जापान में राइस एंड फिश, स्पेशली सुशी, जो सुशी मछली थी वो सबसे महत्वपूर्ण थी। इसे सासिमी भी कहते हैं। सासिमी सामान्य भाषा में उसको जापान में सुशी कहते हैं। सासिमी फिश प्रोटीन के लिए सबसे अच्छा सोर्स मानी जाती थी जापान में। इन चीजों पे हम लोगों ने कल विस्तार से बातें की थी। माय डियर स्टूडेंट, टुडे
we will try to understand about the condition, about the political condition of Japan. Japan की राजनीतिक स्थिति के बारे में हम आज बात करेंगे. आज हम उनके बारे में पढ़ेंगे. तो कि आज हमारा टॉपिक होगा जापान पॉलिटिकल. आई थिंक आप बुक में आइए, सभी लोग बुक ओपन करिए, प्लीज ओपन योर बुक एवरीवन. अपने किताबों को देखिए और इस टॉपिक को देखिए जिसे आप लोग कहते हैं कि ये बहुत ही डिफिकल्ट है. आई थिंक अकॉर्डिंग टू मी व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ डिफिकल्ट एंड इजी, आसान और कठिन की परिभाषा क्या है. जिन चीजों को आप पढ़ते हैं, जो चीजें आपको याद हो जाती हैं आसानी से, वो आसान. जो चीजें आप नहीं पढ़ते, इसको आप छोड़ देते हैं, वो आपके लिए कठिन. तो इस शब्द का प्रयोग कभी ना करें कि ये बड़ा डिफिकल्ट है, ये बहुत कठिन है, ये हमें नहीं आता है. आपके शब्दकोश में, आपके वोकैबुलरी में नहीं आता है शब्द नहीं आना चाहिए. बिकॉज यू आर ऑल स्टूडेंट, बिकॉज यू कैन डू वॉट एवर यू वॉन्ट, बिकॉज यू हैव ए लॉट ऑफ एनर्जी. आपके पास असीम ऊर्जा है. आपके पास आगे बढ़ने की तीव्र लालसा होनी चाहिए. और जब ये लगे कि कोई चैप्टर कठिन है, कोई टॉपिक डिफिकल्ट, उसको बार बार पढ़िए. रियली व्हेन यू टोल्ड मी दैट दिस चैप्टर, दिस टॉपिक इज वेरी डिफिकल्ट, इट फील्स टू मी दैट यू आर नॉट डूइंग हार्ड वर्क फॉर दैट. न चाहते हुए, अनविलिंगली, इट गिव्स मी योर असेसमेंट कि आप कितना पढ़ रहे हैं. कुछ लोग तो ऐसे हैं जो अच्छा पढ़ते हैं, जो लेबोरियस है, लेकिन वो जानबूझ के नहीं पढ़ते. एग्जाम्स आएंगे तब पढ़ेंगे और तब तक काफी लेट हो जाता है. ओके, लेट अस कम एंड ट्राई टू अंडरस्टैंड द नेक्स्ट टॉपिक, द पॉलिटिकल सिस्टम, द पोलिटिकल सिस्टम ऑफ जापान, द पोलिटिकल सिस्टम ऑफ जापान में बात करिए. यह हमारा पहला टॉपिक है. इसमें कुछ चीजों को आपको, जिसपे आपकी समझ बन जाए, उन बातों को आपको समझना पड़ेगा. कुछ शब्द हैं, कुछ टर्म्स हैं जिनको आपको याद करना पड़ेगा. जैसे कौन कौन से वर्ड्स, अब आइए देखते हैं. बुक में आइए प्लीज. कहता है An emperor had ruled Japan from Kyoto. एक emperor है. कहां पे? Kyoto. Kyoto में emperor. By the 12th century, the imperial court लास्ट पावर टू सोगुन्स. अब ये इंपीरियल ने क्या किया, अपनी शक्ति को क्या किया, सोगुन्स के हाथ. सोगुन के हाथों इन्होंने अपनी शक्ति गवा ली. Imperial court lost power to shoguns who in theory ruled in the name of the emperor. Okay, कहने के लिए तो जापान का शासक emperor था जो क्योटो में रहता था, लेकिन the actual ruler, the actual ruler
या रियल रूलर कौन हुआ? शोगुन। रियल रूलर कौन हो गए? शोगुन। कहने के लिए जापान कंट्रोल होता था किसके द्वारा? इंपरर के द्वारा। इट मीन्स मोनार्कियल फॉर्म ऑफ द गवर्नमेंट थी जापान में, लेकिन मोनार्कियल फॉर्म ऑफ द गवर्नमेंट कंट्रोल होती थी किससे? शोगुन से। शोगुन मोनार्कियल फॉर्म ऑफ द गवर्नमेंट को कंट्रोल करते थे। ये शोगुन जो थे ये महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहे थे, क्योंकि इंपीरियल कोर्ट लास्ट द पावर टू शोगुन। इंपीरियल कोर्ट ने शोगुन के अंडर में अपनी शक्ति कमा दी। From 603 to 1867, member of Tokugawa family held the position of shogun. अब कहता है 603 to 1867, 603 to 1867. That was a time when Tokugawa family, the Tokugawa family shogun कहता है कि द टोकुगावा फैमिली हेल्ड द पोजीशन ऑफ शोगुन। शोगुन में शोगुन की सत्ता किसके हाथ थी? टोकुगावा फैमिली के हाथ में थी। कहता है इंपरर के नाम से शोगुन राज करते थे और शोगुन को की कंट्रोलिंग किसके हाथ में थी? टोकुगावा फैमिली के हाथ में थी। कब से कब तक? 1603 टू 1860 तक, मतलब एक टाइम पीरियड के कारण। कहता है कि एक निश्चित समय तक दोनों में, दोनों के ग्रुप में क्या था कि एक काल विशेष, देखिए 1603 टू 1867 तक जो फैमिली थी, कौन सी फैमिली? तो कहता है कि वो फैमिली जो शोगुन, जो तोकुगावा फैमिली थी, वो शोगुन को कंट्रोल करती थी। और एक लंबे समय तक उसने क्या किया? जापान को अपने नियंत्रण में रखा। चलिए वर्ड को याद करिएगा, सिर्फ वर्ड, मैं भी आपको एक बार फिर रिमाइंड कराऊंगा सारे वर्ड्स, ओके? द कंट्री वॉज डिवाइडेड इंटू ओवर 2050 डोमिन्स अंडर द रूलर्स ऑफ द लॉर्ड कॉल्ड डैन्यू। ओके, इंपरर के बाद डोमिन्स में डिवाइड थी, डोमिन्स एम्पायर कई सारे डोमेन्स में बटी थी। कितने डोमेन्स कहता है? 2050 डोमेन्स। और इस डोमेन्स के जो राजा थे इन्हें कहा गया दौम्यो। इन्हें क्या कहा गया? दौम्यो कहा गया। दौम्यो, अब याद रखिएगा, एक वर्ड आपको और मिल गया, दोम्यो मिला आपको, शोगुन मिले आपको, और यहां पे आपको टोकुगावा फैमिली मिली आपको। ये कुछ वर्ड है जिनको आपको याद करना पड़ेगा। इंपरर, कनेक्शन दोनों के बीच,
ये कुछ पॉइंट्स हैं जिन्हें आपको याद करना पड़ेगा। अब आइए, एम्पायर कई डोमिन्स में बटा था और डोमिन्स के शासक को डोमियो कहा गया। देयर आफ्टर द सोगुन एक्सरसाइज पावर ओवर द डोमिन्स, जो ये तोकुगा ये सोगुन्स जो थे ये अपनी शक्तियों के आधार पे डोमिन्स को कंट्रोल करते थे, ये अपनी शक्तियों के आधार पे डोमिन्स को कंट्रोल करते थे। माइंड इट व्हाट आई एम टेलिंग, मैं कह रहा हूं कि जो सोगुन्स थे ये सोगुन अपनी शक्तियों का एक्सरसाइज करते थे किस पे, डोमिन्स पे और डोमियों पे, आप दोनों को कनेक्ट कर सकते हैं। और फिर कहता है सीधे कि एज आई टोल्ड यू द कंट्री वॉज डिवाइडेड इंटू 250 डोमिन्स अंडर द रूलर्स ऑफ लोकल लॉर्ड्स कॉल्ड डोमियो, द सोगुन्स एक्सरसाइज्ड पावर ओवर द डोमिनियल लॉर्ड्स ऑर्डरिंग देम टू स्टे एट द कैपिटल इडो मॉडर्न टोक्यो। कहते थे ये लोग कि आप डोमियो कहां रहेंगे, ईडो में रहेंगे, कैपिटल में ही रहेंगे। और ये कहां था, टोक्यो में। ध्यान से समझिएगा नहीं तो फिर आप कंफ्यूज हो जाएंगे, फिर आपको ये डिफिकल्ट लगने लगेगा। क्यों ऐसा कह रहे थे, क्यों कह रहे थे कि ईडो में रहना है, टोक्यो में रहना है, क्यों वो चाहते थे, क्योंकि इसके पीछे का एक कारण था कि कहीं ये डोमियो रिवोल्ट न कर दे, कहीं ये बाहर जाकर के हमारी सेंट्रल अथॉरिटी के अगेंस्ट एक बड़ा अपराइजिंग ना होने लगे। इसीलिए इन लोगों ने इनको क्या किया कि आप क्या करेंगे, आप ईडो कंट्री में रहेंगे। इट वॉज माइनोरिटली ऑब्जर्व बाई सोगुन्स द लॉर्ड्स हु कंट्रोल्ड द डोमिन्स, दे कॉल्ड डोमियो एंड डोमियो आर क्लियरली इंस्ट्रक्टेड बाई सोगुन्स और तोकुगावा फैमिली दैट यू हैव टू लिव इन द वेयर आई मीन टू कैपिटल ईडो, आपको कहां रहना है, ईडो में रहना है। दैट इज वॉट आई एम सेइंग माय डियर, एक्सेप्ट इट, द कैपिटल ईडो मॉडर्न टोक्यो और अ लॉन्ग पीरियड सो दैट दे वुड नॉट पॉज द ट्रीज, ही ऑल्सो कंट्रोल द मेजर सिटीज एंड माइंस, द सामुराई वॉरियर, सामुराई, एक और शब्द आ गया आपके पास, सामुराई। सामुराई कौन थे, वॉरियर थे। योद्धा थे, तलवार चलाने वाले थे, वॉरियर। सामुराई वॉरियर क्लास वर द रूलिंग इलीट्स एंड सर्व द सोगुन एंड डोमियो। अब यहां पे देखिए ये वॉरियर ग्रुप कह लीजिए या वॉरियर क्लास कह लीजिए तो ज्यादा अच्छा रहेगा, आप अब समझेंगे। क्या करते थे ये लोग, ये अपनी सेवाएं देते थे किसको, दोनों को, डोमियो को भी और सोगुन को भी। चलिए यहां तक क्लियर होना चाहिए आपको, यही है, अगर आप इतना समझ जाते हैं तब आप आसानी से जापान का पॉलिटिकल सिस्टम समझ जाएंगे। चलिए मैं एक एक को फिर से आपको बताता हूं।
सबसे आसान शब्दों में इनको समझने के लिए एक एक स्टेप बाय चलते हैं। हमने कहा पूरा जापान कंट्रोल होता था मोनार्कियल फॉर्म ऑफ द गवर्नमेंट से। जापान वाज कंट्रोल्ड बाय मोनार्कियल फॉर्म ऑफ द गवर्नमेंट। इंपरर लिव्ड इन द कैपिटल क्योटो। इंपरर लिव्ड इन क्योटो, नॉट वी कैन नॉट यूज द वर्ड कैपिटल। इंपरर लिव्ड इन क्योटो, इट मींस जापान वेयर द मोनार्कियल फॉर्म ऑफ द गवर्नमेंट। But it is very strange matter with us that when we minutely observe about the political system of Japan, we will find that even the emperor, who was supreme authority of the administration or empire, but the actual power was exercised by the shoguns. Shoguns, the different families, they were part of the shoguns. The Tokugawa family led the power during 1603 to 1867. It means Tokugawa family was very powerful family, who real ruler of the Japan, who exercised the power of emperor. Okay, I hope you are getting what I'm saying. And the third group, the Japan, the whole empire, divided into different domains. Domains, similarly, you can understand that suppose India is a country, and in India, as you know, that different states, as it is in Japan, empire divided in domains. Empire divided in domain. Samrajya, domains bata. And domains controlled by domyo. Domyo ke dwara domains control ke jate the. It means domyo who were lords who controlled the domains, and in domains whatever resources, whatever things for earning was controlled by domyo. And ab aayega सबसे महत्वपूर्ण बात है। इंटरेस्टिंगली वेन वी गॉट इंफॉर्मेशन, हमने पाया कि क्या पाया इंफॉर्मेशन कि डोम्यो वर स्ट्रिक्टली इंस्ट्रक्ट बाई शोगुन्स। डोम्यो देवर स्ट्रिक्टली इंस्ट्रक्ट बाई शोगुन्स। शोगुन के द्वारा इंस्ट्रक्ट किया गया, उन्हें डांटा गया कि आपको क्या करना है, आपको सिर्फ और सिर्फ कहां रहना है, कैपिटल में रहना है, जो कैपिटल थी टोक्यो। टोक्यो के बाहर आपको नहीं जाना है। दैट इज व्हाट आई एम सेइंग माय डियर स्टूडेंट। एकदम क्लियर व्यू है, आप समझ सकते हैं आसानी से कि एक क्लियर इंस्ट्रक्शंस दिया गया शोगुन्स के द्वारा कि डोम्यो कैपिटल के बाहर नहीं जाएंगे। एक और ग्रुप की मैंने बात की, मैंने कहा एक और ग्रुप है, वो है सामुराई। सामुराई देवर वॉरियर्स ग्रुप। सामुराई कौन है? सामुराई वॉरियर्स ग्रुप है। वॉरियर क्लास दे कॉल्ड सामुराई, दे यूजेस द सोर्ड। सामुराई का एग्जैक्ट जो मीनिंग होता है वो तलवार होती है। जापानी जो तलवार होती है उसको सामुराई बोलते हैं। सामुराई के दोनों तरफ धार होती है, और सामुराई चलाने वाला योद्धा एक महान योद्धा जापानी मिथ में है, जापानी ट्रेडिशंस में सामुराई एक आदर्श योद्धा के रूप में जाना जाता है। सामुराई ही ऑलवेज रेडी टू गिव देयर सर्विस, किसके लिए? फॉर देयर डोम्यो एंड सोल्स। दोनों और सोगुन्स दोनों के लिए अपनी सेवाएं देने के लिए हमेशा
तत्पर और तैयार रहता था. दैट इज व्हाट आई एम सेइंग, इट इज वेरी वेरी इंटरेस्टिंग एंड इंपॉर्टेंट आल्सो. अब आप समझ सकते हैं कि यहां पे सोगुन्स की पावर को आसानी से हटा चेंज नहीं किया जा सकता था. माय डियर ये है जापान का पॉलिटिकल सिस्टम. पहले इसको आप समझेंगे तो उसके बाद आप पूरी जापान की हिस्ट्री को आसानी से समझ सकते हैं. जापान पर मैं आपको फिर इन चीजों को एक बार रिवाइज कर रहा हूं. फिर आप ये मत, आप जब भी इसको पढ़ें तो पहले अकॉर्डिंग टू दैट यू कैन कैटेगराइज द डिफरेंट पार्ट, डिफरेंट ग्रुप, अलग अलग पार्टों में बांटिए, उनको समझिए और फिर उसके आधार पर आप समझिए. कहता है जापान पर क्योटो में रहने वाले सम्राट का शासन था. 12th सेंचुरी तक आते आते जो एक्चुअल पावर थी वो सोगुन के हाथ में आ गई. सोगुन सैद्धांतिक रूप से राजा के नाम पर शासन करते थे. 1603 टू 1867 तक तोकुगावा परिवार के लोग सोगुन पद पे कायम थे. देश जापान 250 डोमेन्स में बटा हुआ था जिसका शासन डोमियो चलाते थे. सोगुन डोमियो पर नियंत्रण रखते थे. सोगुन डोमियो को लंबे अरसे के लिए राजधानी एडो जो आधुनिक टोक्यो में रहने का आदेश देते थे ताकि उनकी तरफ से कोई खतरा न हो. सोगुन प्रमुख शहरों और खदानों पर भी नियंत्रण रखते थे. सामुराई, जिसे योद्धा वर्ग मैंने कहा, वॉरियर क्लास कहा मैंने, सामुराई शासन करने वाले कुलीन थे और वो सोगुन तथा डोमियो की सेवा में हमेशा अपनी सेवाएं देते रहते थे. 16th सेंचुरी के अंतिम डिकेड्स तक आते आते, अंतिम दशक तक आते आते सोलहवीं शताब्दी के अंतिम भाग में हमें तीन चेंजेस दिखाई देते हैं. तीन परिवर्तन ने आगे के विकास की तैयारी की. तीसरा पर तीन परिवर्तन क्या हुआ, मेजर चेंजेस क्या है, तो कहता है कि जो पहला परिवर्तन था वो ये था कि किसानों से हथियार ले लिए गए, सभी के पास वीपन नहीं रहेंगे, केवल और केवल एक वर्ग के पास, सामुराई के पास ही केवल हथियार रहेगा. किसानों से हथियार वापस ले लिए गए. इससे शांति और व्यवस्था बनी रही, जबकि पिछली सेंचुरी में, पिछली शताब्दी में इस वजह से अक्सर लड़ाइयां होती थी. दूसरा परिवर्तन हुआ, डोमियों को अपने क्षेत्र की राजधानी में रहने के लिए आदेश दिए गए. डोमियंस के रूलर्स थे, जो नोबल्स थे, उन्हें कहा गया कि आप अपने क्षेत्र की राजधानी में ही रहेंगे. डोमियों को अपनी राजधानी में रहने के लिए बाध्य किया गया, आदेश दिया गया और उन्हें काफी हद तक स्वायत्तता प्रदान कर दी गई. और तीसरा चेंजेस था, मालिक और करदाताओं का निर्धारण करने के लिए जमीन का सर्वेक्षण कराया गया. मालिक जो फैक्ट्री ओनर्स थे उनसे कितना टैक्स लें जब तक क्लियर नहीं हुआ, जब तक उनके एक्चुअल चीजों का निर्धारण, प्रॉपर्टी का निर्धारण नहीं किया जाएगा, इसलिए जमीन का सर्वेक्षण कराया गया. उत्पादकता के आधार पर भूमि का वर्गीकरण किया गया. इन सबका मिला जुला मकसद था राजस्व के लिए स्थायी आधार बनाना, प्रॉपर फार्म में रेवेन्यू मिलता रहे. तो तीन बड़े चेंजेस किए गए. ये तीन चेंजेस जो किए गए इसने जापान की दशा और दिशा बदल दी. पहले चेंजेस, जहां एक तरफ किसानों को हथियार रखने से, किसानों को अपने को आर्म करने से मना कर दिया गया जिससे शांति व्यवस्था डिस्टर्ब ना हो, शांति व्यवस्था भंग ना हो. दूसरी तरफ डोमियों को क्लियर कट इंस्ट्रक्शन दिया गया कि आपको अपने राजधानी में ही रहना है और राजधानी से बाहर नहीं जाना है. इसके लिए उनको कुछ अधिक स्वायत्तता दी गई. और तीसरा बड़ा परिवर्तन था, फैक्ट्री ओनर्स जो जमीन के मालिक थे, फैक्ट्री ओनर्स के साथ साथ जो जमीन के मालिक थे, जो जिनके पास छोटी बहुत इंडस्ट्री थी, सभी की प्रॉपर्टी को रखी गई. स्पेशली जमीन का सर्वे कराया गया, लैंड का सर्वे कराया गया और फिर एक प्रॉपर टैक्स फिक्स किए गए. और इस टैक्स ने
इस जमीन के सर्वेक्षण के बाद जो प्रोडक्शन के आधार पर भूमि का वर्गीकरण भी किया गया और इन सब का मिला जुला असर हुआ कि प्रॉपर रेवेन्यू कलेक्ट हुआ और जिससे जापान ने विकास की तरफ को आगे बढ़ाया। वी विल कंटिन्यू दिस टॉपिक इन माई नेक्स्ट क्लास। आज के लिए इतना ही। गुड बाय।